हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू आपका स्वागत करती हूँ हरियाणा जी के स्टडी में। तो फ्रेंड्स, जैसे ग्रुप डी के एग्ज़ाम आ रहे हैं 10, 11 और 17, 18 को, तो उसके रिगार्डिंग मैं हरियाणा जी के की वीडियो बना रही हूँ और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हरियाणा करंट जी के और हरियाणा जी के क्वेश्चन हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँगी मैं यूनिक कोचिंग सेंटर पर जो चंडीगढ़ पुलिस एग्जाम हो उसके लिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ, और स्मार्ट प्रोडक्शन हाउस पे भी आपको मेरी वीडियो अवेलेबल मिलेगी, तो वहाँ पे भी आप विजिट कर सकते हो। आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरियाणा प्रदेश के 17वें राज्यपाल कौन है? हरियाणा प्रदेश के 17वें राज्यपाल कौन है? तो वो है SN आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। कहीं पर आपको SN आर्य भी मिलेगा, कहीं सत्यदेव नारायण आर्य मिलेगा, तो मैंने दोनों बता दिया आपको। 17वें राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। 16वें कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी। और वो वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल है? वो है त्रिपुरा के। देखो, 17वें का पता चल गया, 16वें का तो हमें फर्स्ट का भी पता होना चाहिए। मैंने फर्स्ट भी बताया, फर्स्ट राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन सी पार्टी से है? तो वो बीजेपी से है। कहाँ से है? वो निंदाना से, रोहतक से है वो। और बीजेपी के जो अध्यक्ष हरियाणा में वो कौन है? सुभाष बराला। फर्स्ट सीएम कौन थे? वीडी शर्मा। कब से कब तक? 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक। अब यहाँ पे क्या, सबसे लगातार सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम कौन है? तो वो थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पूछ क्या रखा है, इस चीज़ में ध्यान रखना है, पूछ क्या रखा है, सबसे लंबे समय तक लगातार रहने वाले, भाई लगातार रहने वाले कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कब से कब तक? 2005 से 2014 तक। और सबसे कम समय तक रहने वाले सीएम वो है ओम प्रकाश चौटाला। सबसे कम मतलब टाइम, सबसे कम टाइम तक रहने, तो वो 5 दिन तक, सिर्फ 5 दिन तक रहे थे। तो कौन है वो? ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे अधिक बार वो भी ओम प्रकाश चौटाला, 5 बार। अब ये यहाँ पे हो जाता है कि सबसे अधिक बार भी ओम प्रकाश चौटाला बता दिया, सबसे कम भी समय तक, तो भाई यहाँ पे क्या है, सबसे कम समय तक भाई 5 ही दिन तक ओम प्रकाश चौटाला, और सबसे अधिक बार भी, सबसे अधिक बार चुनाव किसने जीता तो वो ओम प्रकाश चौटाला, 5 बार। सबसे छोटा कार्यकाल सीएम का कौन किसका है? वह बनारसी दास गुप्ता का, 1975 से सतंत्र तक, सिर्फ 2 साल का सबसे छोटा कार्यकाल, बनारसी दास गुप्ता 1975 से सतंत्र तक। सबसे लंबे समय तक सीएम वो थे भजन लाल। अब आप बोलोगे सबसे लंबे समय तक मैम अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता दिया, तो वो लगातार समय तक सबसे लंबे लगातार, जैसे 2005 से 2014 तक। और इन्होंने क्या, सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले भजन लाल, 1979 से 1996 से 1991 तक। तो इन्होंने सबसे लंबे कितने हो गए, 12-13 साल हो गए ये सबसे लंबे समय तक सीएम। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो कंवरपाल गुर्जर हैं। और पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थी सन्नो देवी। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष थी किसी भी राज्य की, सबसे पहले मतलब हरियाणा की सबसे पहली महिला थी वो किसी भी राज्य की विधानसभा अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन है? तो डिप्टी स्पीकर कौन है? संतोष यादव। नेक्स्ट चलते हैं, हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन कब और कितनी बार लगा? तो वो लगा 3 बार। कब कब? 21 नवंबर 1967 को, 30 अप्रैल 1977 को, 5 अप्रैल 1991 को। तो अब पूछ लिया सीधा सीधा, 3 बार लगा, कब कब लगा ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं? उस टाइम सीएम कौन था, उस टाइम गवर्नर कौन था, या फिर उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? तो 21 नवंबर 1967 को लगा, उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे? श्री वीरेंद्र सिंह। गवर्नर कौन थे? वीरेंद्र नारायण मूर्ति। और प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और नेक्स्ट कब लगा? 30 अप्रैल 1977 को। उस टाइम हरियाणा के सीएम कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। गवर्नर श्री जयसुख लाल। और प्रेसिडेंट कौन थे? वी डी जती। नेक्स्ट कब लगा? 5 अप्रैल 1991 को। सीएम कौन थे? श्री ओम प्रकाश चौटाला। गवर्नर श्री दानिक लाल मंडल। और प्रेसिडेंट रामास्वामी वेंकटरमन। नेक्स्ट क्या है, पहला भारत केसरी दंगल कब और कहाँ लड़ा गया? पहला भारत केसरी दंगल कब और कहाँ लड़ा गया? तो पहला भारत केसरी दंगल है वो 2016 ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में लड़ा गया। अब तक कितने हुए हैं टोटल? अब तक 3 हुए हैं। दूसरा 2017 में अम्बाड़ा कैंट में,
वॉर हीरो मेमोरियल स्टेडियम में, और तीसरा क्या है 2018 में बीएम स्टेडियम भिवानी में। नेक्स्ट क्या है, एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने कितने पदक दिलाए, टोटल कितने थे भाई 18 पदक दिलाए, उनमें से 5 स्वर्ण पदक थे, 5 रजत थे और 8 कांस्य थे। एशियाई सबसे पहले तो ये एशियाई खेल हुआ कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, पहला गोल्ड मेडल वो बजरंग पुनिया ने जीता, और किस में जीता, वो कुश्ती में जीता। ओके, अब 18 हरियाणा के आ गए, इंडिया के कितने आए टोटल 69 आए, 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत और 30 कांस्य पदक। 69 पदक के साथ इंडिया कौन से स्थान पर रहा, तो वो 8वें स्थान पर रहा। सबसे ज़्यादा किस में जीते इंडिया, इंडिया लेवल पर किसने सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में 19 टोटल पदक जीते, तो 8वें नंबर पे तो इंडिया रहा। फर्स्ट पे कौन रहा, चीन 289 मेडल टोटल, सेकंड पे जापान 205 मेडल टोटल। जैसे ये हो गया इंडिया का। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडल किस में जीते, इन्होंने भी एथलेटिक्स में ही सबसे ज़्यादा मेडल जीते, कितने 4। अब ये है कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजावाहक कौन थे, तो वो थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कहाँ से है, पानीपत से है, और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये जेवलिन थ्रो से, और गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। अब आगे क्या, क्लोजिंग सेरेमनी ने रानी रामपाल थी, और ये किस से रिलेटेड है, ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से है। नेक्स्ट क्या, और ये भी हो जाए कि एशियाई खेल में कितने टोटल कितने कंट्री थे, टोटल कंट्री थे 45 और टोटल गेम 465। नेक्स्ट का, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है, हरियाणा का 22वां जिला है चरखी दादरी, नंबर 22वां जिला है। जिले हो गए 22, अब दो नए मंडल हो गए करनाल और फरीदाबाद, दो नए मंडल के साथ कितने टोटल मंडल कितने हो गए 6, 10 नए उपमंडल हो गए, 10 नए उपमंडल के साथ कितने हो गए 72, टोटल कितने हो गए 72, पहले कितने थे 62, और दो 10 नए उपमंडल बने, वो कौन से, अंबाला कैंट वो किस में आता है, अंबाला में आता है, बाडेडा भिवानी में आता है, बड़खला वो फरीदाबाद में आता है, और नारनंदा वो हिसार में है, और जो बादली है वो जज्जर में है, उचाणा जींद में, ग्रोंडा करनाल में, रादौर यमुनानगर में, पुनहाना मेवात में, और कालावाली कहाँ है सिरसा में है। नेक्स्ट चलते हैं, नई तहसील कितनी है, 10 बनी है, पहले कितनी थी 83, अब 10 और जोड़ के कितनी होगी 93। सब तहसील कितनी है, नई 3 बनी है, पहले कितनी थी 47, अब कितनी होगी 50। ब्लॉक 14, पहले कितने थे 126, और अब कितने होगे 140। ओके फ्रेंड्स, आज की फर्स्ट वीडियो है ग्रुप डी के लिए, तो जैसे आपको वीडियो पसंद आए लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जितना मैं हो सकता है मैं करवा रही हूँ, और जैसे भी आप सजेशन देना चाहिए, जो भी कुछ रह जाता है उसके बारे में आप एक बार सजेशन दें, भी मैम ये करवाऊँ, मैं आपको वो करवाऊँगी, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। ओके ठीक है, थैंक यू।